नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी उग्रवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए उग्रवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद को लेनी होगी। दरअसल विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से राज्यसभा में वीडियो रिपोर्ट पर पक्ष रखने की मांग की गई थी। अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ नितीश्वर कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नितीश्वर कुमार ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल से बंद पड़ी वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2022 30 जून को शुरू होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। दरअसल लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आरबीआई के सामने कई चुनौतियां हैं। लगातार 11वीं बार भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1109 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जो गुरुवार की तुलना में 7.3% अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 43 कोरोना मरीजों की जान गई है। एक दिन में 1213 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। देश में सक्रिय मामले का आंकड़ा अब 11492 पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और निश्चित प्रमाणिक संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब और समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर गृहमंत्री ने समिति सदस्यों की सर्वसम्मति से समिति प्रतिवेदन के 11वें खंड को राष्ट्रपति के पास भेजने को मंजूरी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर राजद नेता शरद यादव से मिलने दिल्ली स्थित अपने निवास पर पहुंचे और हाल ही में शरद यादव लालू यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शरद यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीते 2-3 सालों से सच छिपाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आएगा। पाकिस्तान में इमरान खान अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए वो भारत का भी खूब सहारा ले रहे हैं। कोई भी उनका ऐसा संबोधन नहीं है जिसमें वो भारत का नाम ना ले। उनका कहना है कि हमें भारत से सीखने की जरूरत है। उसकी विदेश नीतियां इतनी मजबूत है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आर्मी सरकार के आदेशों का पालन करती है। यूक्रेन के क्रामटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रॉकेट हमले में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस हमले में 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। भारत ने रूस और अमेरिका के परस्पर विरोधी दबाव के सामने घुटने ना टेकते हुए एक बार फिर से रूस के संबंध में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की वोटिंग से खुद को दूर रखा है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्तावों पर हुई वोटिंग में भारत ने लगातार 8वीं बार दूरी बनाई है। यूक्रेन के बूचा शहर में मिले शवों के अंबार के बाद रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर निकालने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष आपातकालीन सत्र गुरुवार को आयोजित किया गया था। झारखंड में रामनवमी पर धार्मिक यात्रा रात 10 बजे तक निकाली जा सकेगी। सरकार ने विभिन्न संगठनों की मांग को संज्ञान में लेते हुए धार्मिक यात्रा निकालने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में आज अब शाम 6 बजे तक के बजाय रात में 10 बजे तक धार्मिक यात्रा निकाली जा सकेगी। आपदा प्रबंधन विभाग शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी करेगा और नई गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस की समय सीमा शाम 6 बजे तक से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दी गई है। भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को 2+2 वार्ता होगी। ये दोनों देश के बीच चौथे मंत्री स्तरीय बातचीत है। इस बातचीत में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी करेंगे। यूपी में वापसी के साथ ही योगी सरकार 2.0 युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने को लेकर निरंतर प्रयासरत है। इसको लेकर कई तरह की तैयारियां भी की जा रही है। इसी कड़ी में जल्द ही प्रदेश के युवाओं के हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और मोबाइल फोन होंगे। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से इस कार्य को अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन दिनों के भीतर ही 9.74 लाख युवाओं के हाथों में अब यह टैबलेट और मोबाइल पहुंच जाएगा। इन दिनों साउथ एक्टर रामचरण जूनियर एनटीआर एसएस राजमौली 7वें आसमान पर नजर आ रहे हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। 24 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म रिलीज के बाद से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। फिल्म रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास भी रच रही है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आरआरआर का जलवा जारी है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख को 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2022 थी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in के जरिए 17 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
अमेरिका और नाटो लाख धमकियों और कोशिशों के बाद भी रूस को यूक्रेन पर हमला करने से नहीं रोक सका है। अमेरिका चाहता है कि ये जंग रुके नहीं, तभी वो पुतिन को और भड़काने का काम कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रूस है, ऐसे में वो इस जंग के बहाने पुतिन को पूरी तरह से तोड़ना चाहता है ताकि वो सुपर पावर बना रहे। यूक्रेन के प्रति अमेरिका की उदारता नहीं बल्कि छलावा है। रूस से भारत के संबंधों को लेकर पिछले एक सप्ताह से अमेरिका धमकी दे रहा है। अमेरिका ने कहा है कि भारत को रूस से दोस्ती महंगी पड़ सकती है। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत रूस से संबंध खराब नहीं करना चाहता। इस माहौल में अमेरिका में 2+2 वार्ता होनी है। इसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते अमेरिका जाएंगे। इस तनातनी वाले माहौल में 2+2 वार्ता का एजेंडा क्या होगा, ये कोई अनुमान लगाने का मुद्दा नहीं रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनियां इस समय निवेशकों की पसंद बनी हुई है। साल 2022 में अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अबुधाबी की इन्वेस्टमेंट फर्म इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में $2 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जमा करने का ऐलान किया है। एक तरफ रक्षा मंत्रालय छोटी सेवा या फिर टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे सकता है। ये प्रस्ताव सबसे पहले 2020 में लाया गया था। दूसरी तरफ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इससे इतनी बड़ी आबादी के बावजूद थलसेना में भर्तियों के कम होने पर चिंता जाहिर की है। क्याग ने बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इतनी अधिक युवा आबादी वाले देश में सेना के लिए योग्य उम्मीदवार ढूंढने में असमर्थता सही नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड बूस्टर डोज लगवाने का रास्ता साफ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार से निजी टीका केंद्रों पर जाकर सभी वयस्क कोविड बूस्टर खुराक लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिनकी आयु 18 साल है और उन्होंने दूसरी खुराक लेने में 9 महीने समय पूरे कर लिए हैं, वो निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। कहा गया है कि निजी टीकाकरण केंद्र पर अब 10 अप्रैल से 18+ जनसंख्या समूह के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी। पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया अपने ही देश में इस बार इसकी बहुत बड़ी किल्लत झेल रहा है। माना जा रहा है कि ये संकट मानव निर्मित ज्यादा है और जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध का बहुत बड़ा रोल है। खैर, इंडोनेशिया ने अपने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस पर कई तरह के कदम उठाए हैं, जिसमें निर्यात को नियंत्रित करने को लेकर के भी तरह तरह के उपाय अपनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की शानदार वापसी के बाद से ही अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। शुक्रवार को सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या फिर दुकान पर नहीं चलेगा। सीएम योगी ने गरीब के प्रति संवेदनशीलता रखने का निर्देश दिया है। ऑल मैकेनाइज्ड बोट एसोसिएशन के एक शीर्ष सदस्य ने कहा है कि रामनाथपुरम जिले में भारतीय मछुआरे ये सुनकर हैरान है कि श्रीलंका की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए मछुआरों को रिहा करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की जमानत राशि तय की है। 23 मार्च को श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम में केवल लगभग 13 भारतीय मछुआरे को उनके समुद्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सेबी ने आईपीओ से जुड़ी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिटेड में संशोधन किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स यूपीआई के जरिए 5 लाख तक की बिड सबमिट कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया है। जिनके लिए आवेदन करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी चांस रहा। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखे कि इन पदों पर आवेदन करने का आज अंतिम अवसर है। चीन के हैकर्स ने 2 बार लद्दाख के पास भारत के बिजली संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बिजली मंत्री आरके सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह के साइबर हमलों का मुकाबला पहले भी किया और करने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को अब 1 महीना 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। रूसी सेना अब भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जमकर तबाही मचा रही है। हजारों आम लोग की जान अब तक जा चुकी है और वहीं इस युद्ध में मजबूत समझी जाने वाली रूस को भी हर तरह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमाम देश की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस में स्थिति खराब होती जा रही है। देश में महंगाई और आर्थिक समस्या अब बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। रूस में खाने के सामान की कीमत में 45% तक की वृद्धि हो गई है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी काफी परेशान है। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया ने शेयर बाजार में शानदार आगाज किया। इसका एफपीओ शुक्रवार को जबरदस्त प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रुचि सोया का शेयर 855 रुपए पर खुला, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये 850 रुपए के स्तर पर खुला। चेन्नई स्थित इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने जनवरी मार्च 2022 तिमाही में रेन इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वित्त वर्ष 2022 के चौथी तिमाही के रेन इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक रेन इंडस्ट्रीज में डॉली खन्ना की शेयर होल्डिंग 1.02% फीसदी है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। उनके नाम है नवीन कुमार यादव, खान रियस, अभय कुमार, अमन कुमार सिंह, श्याम राज, नंद कुमार, चिंटू राज, मनोज मंडल, बिहारी राजा, रोशन यादव, जितेंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार, राजीव सिंह। आप इसी तरह हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हमारे वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रूस यूक्रेन के मामले में भारत के रुख से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।